बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं नोटराम लोडीर, आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के सांसद रितेश पांडे के द्वारा सबसे पहले की गई सहयोग, और उसके बाद आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा की गई अपील का इतना असर देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टियों में से एक शामिल समाजवादी पार्टी ने भी आपको बता दें कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अब आगे कदम बढ़ा लिया है। आपको बता दूं, जिस समय बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सहायता राशि की गई थी, तब तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई सहायता नहीं की गई थी और ना ही अखिलेश यादव की तरफ से कोई बयान सामने आया था। लेकिन अब जो बसपा सुप्रीमो मायावती जी की अपील के बाद जो अखिलेश यादव है, उन्होंने भी आगे आकर अपने सांसद कोष से 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा आपको बता दूं कि कन्नौज के लिए समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद है जया बच्चन, उनकी तरफ से 1 करोड़ रुपए दिए गए। इसके अलावा भी समाजवादी पार्टी के विधायक सांसदों ने अपने अपने सहायता कोष के लिए कई सारी राशि का अब ऐलान किया है। लेकिन कुल मिलाकर देखने की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के सांसद रितेश पांडे की पहल के बाद अब देश भर के तमाम नेता और विधायक और जो लोग हैं वो आगे आ रहे हैं और राहत सहायता कोष के अंदर अपनी अपनी सहयोग राशि है वो देने के लिए जुटे हुए हैं। मिलेंगे इस नए वीडियो अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद